हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो सेशन का जो टॉपिक है, जिसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे, वो है व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट। व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट के वॉल्यूम्स है, जैसे कि आप जानते हैं इंट्रोडक्टरी है, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग वॉल्यूम 3 के ऊपर बात करेंगे और वॉल्यूम 3 का जो लेसन होगा वो लेसन 5 होगा। इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स रखे गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए बगैर समय गवाए हम लोग अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है कंसिलिएट। देखिए, कंसिलिएट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी व्यक्ति को कंसिलिएट करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उसके गुस्सा को कम करते हैं, आप उसको एक तरह से मनाते हैं कुछ करने के लिए। पॉलिटिकल फील्ड में इस वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में इस वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपने सहयोगियों को मनाती है, लोगों को मनाती है, मतलब ये पॉलिटिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही जबरदस्त वर्ड है कंसिलिएट, ठीक है। कंसिलिएट का हिंदी क्या होगा? गुस्सा को शांत करना। मतलब अगर आप किसी के टेम्पर को कम करते हैं, उसको आप फ्रेंडली बनाते हैं, तो आप उसको कंसिलिएट करते हैं। मनाना, छोटा शब्दों में कहे तो मनाना। सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए, ये सभी के सभी वर्ड्स यूज के वर्ड्स है। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है कि केवल वो सिनोनिम्स का संख्या गिनवा रहा है कि 5, 4, ऐसा नहीं है। इसमें सारी के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनके बीच थोड़ा तो अंतर जरूर है। तो अपीज शांत करना, प्लेकेट शांत करना, स्वेज शांत करना, मनाना, सबका मतलब मोटा मोटी चीज यही है कि किसी को लेस एंग्री करना, है ना, टू मेक समवन लेस एंग्री। अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू मेक समवन लेस एंग्री, उसके गुस्सा को कम करना, ठीक है ना। चलिए, टू मेक समवन, अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा, या टू मेक समवन फ्रेंडली। चलिए, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा प्रोवोक, मतलब भड़काना। अब हमको एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस के माध्यम से इसको हम बेहतर समझ सकते हैं। चलिए देखिए, जो कंपनी है और कंपनी के जो वर्कर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अब कंपनी ने स्ट्राइकर्स, जो हड़ताल पर गए उनको स्ट्राइकर्स कहेंगे, उनको मनाने की तमाम कोशिश कंपनी की फेल हो चुकी है ना। हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इस चीज को कैसे लिखेंगे? चलिए, द कंपनीज ऑल अटेम्प्ट्स जितने भी कोशिश हुई हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल अटेम्प्ट्स ना, चलिए, टू कंसिलिएट द स्ट्राइकर्स, यानी कि जो हड़ताल पर जो चले गए हैं, है ना, स्ट्राइकर्स कहलाएंगे, हैव फेल्ड, है ना, वो सभी के सभी जो है वो फेल हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है क्या कि अगर आप किसी को कंसिलिएट करते हैं, आप उसके गुस्सा को कम करते हैं, मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड है क्यूलिनरी, बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए तो जबरदस्त वर्ड है। क्यूलिनरी का मतलब क्या होता है? भोजन बनाने से संबंधित। यदि कोई चीज क्यूलिनरी है तो उसका संबंध किससे? भोजन बनाने से है। जैसे कि अगर हमको कहने की भोजन बनाने का हुनर, अगर हमको छोटा मामलों में लिखना, भोजन बनाने का कला, भोजन बनाने का हुनर, हम इसको कैसे लिखेंगे? भोजन बनाने से संबंधित के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे हैं? क्यूलिनरी। अब हमको हुनर करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, क्यूलिनरी स्किल्स किसी में होता है या किसी में नहीं होता है। चलिए, अब इसी तरह से होगा भोजन बनाने की कला, कला और स्किल्स लगभग एक ही हैं, तो वो कौन सा आर्ट होगा? क्यूलिनरी आर्ट होगा। एक वैसा मैगजीन, है ना, पत्रिका जिसमें भोजन बनाने की विधियां दी हुई होती है, हम उस मैगजीन को कौन सा मैगजीन कहेंगे? क्यूलिनरी मैगजीन। तो यदि कोई चीज यदि क्यूलिनरी है, कोई भी चीज क्यूलिनरी हो सकता है ना। क्यूलिनरी वेबसाइट भी हो सकते हैं, वैसे साइट्स है जहां पर खाना बनाने की विधियां बताई गई है। तो चलिए, क्यूलिनरी का मतलब क्या है? भोजन बनाने से संबंधित। अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, कनेक्टेड विद कुकिंग। आगे बढ़ते हैं, तो वर्ड है, मिलता है हमें डिटर। डिटर बहुत जबरदस्त वर्ड है। अगर देखिए, अगर आप किसी को डिटर करते हैं तो आप उसको रोकते हैं, डिस्करेज करते हैं, मना करते हैं कुछ करने से, ठीक है ना। आप किसी को कुछ करने से रोकते हैं तो आप इसको डिटर करते हैं। चलिए, सिनोनिम्स क्या होगा? प्रिवेंट, रोकना, फेंड ऑफ, है ना, डिस्करेज, स्टॉप, हैम्पर, डिसुएड, सबका मतलब एक ही होता है कि मना करना, रोकना कुछ करने से। चलिए, इसका अपोजिट एंटो क्या होगा? इनकरेज, है ना, प्रोत्साहित करना। अब जैसे कि एक सेंटेंस, इसको इस पर सेंटेंस थोड़ा सा डील किया जाए, हमको कहना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि डिटर के साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो फ्रॉम होगा। डिटर अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगा। चलिए, हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा, डिटर के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम है।
चलिए सेंटेंस के माध्यम से एडिटर को समझा जा सकता है, हमको कहना है कि मुझे बोलने से, ठीक है ना, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है ना, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, हमको ऐसा कहना है, मुझे कुछ करने से कोई नहीं रोक सकता है, तो ये बात हम एडिटर के प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको अगर बनाना है तो कैसे लिखेंगे, नो वन कैन डिटर मी, चलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है, किस बात से, तो प्रीपोजिशन, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम, वैसे भी अगर प्रीपोजिशन अगर दिमाग में नहीं भी है तो यहाँ पर विजिबल है किसे का अंग्रेजी जो होगा वो फ्रॉम होगा। चलिए नो वन कैन डिटर मी फ्रॉम स्पीकिंग, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए तो ये हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए इंथराल, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत जबरदस्त वर्ड है, सिनोनिम्स के लिए ना ये बहुत बढ़िया वर्ड है। तो इंथराल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज किसी को इंथराल करता है, उसको आनंदित करता है, उसका मनोरंजन करता है, आप ऐसा समझिए, उसको इंटरटेन करता है, उसका मनोरंजन करता है, उसको मोहित कर देता है, समा बांधना इसको आप कहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या है, कैप्टिवेट, चार्म, ठीक है ना, स्पेल बाइंड, इंचांट, इंटरटेन, मतलब आप इसमें कई तरह के और सिनोनिम्स जोड़ सकते हैं। ये सभी जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है सिर्फ वही लिखा गया है, ऐसा नहीं कि बस तीन या चार सिनोनिम्स है, ऐसा नहीं है, सिनोनिम्स की संख्या कई है, लेकिन वैसे सिनोनिम्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल उसी सिनोनिम्स को यहां पर प्लेस किया गया है। कैप्टिवेट बहुत बढ़िया वर्ड, अगर आप किसी को कैप्टिवेट करते हैं, आप उसको मोहित करते हैं, आनंदित करते हैं कोई चीज से। चलिए इसका एंटो क्या होगा, बोर, उबा देना, अरे आनंदित करने का उल्टा क्या होगा, बोर, उबा देना। जैसे कि अगर हमको कहना है कि नई फिल्म ने देश भर के लोगों को आनंदित किया है, खूब चला है नई फिल्म, हम कैसे लिखेंगे, द न्यू मूवी है ना, चलिए द न्यू मूवी हैज, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंथराल्ड, मोहित करने के लिए क्या वर्ड है, इंथराल्ड, ठीक है ना। ऑडियंसेस चलिए है ना, अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश भर के जो ऑडियंस हैं इनको, या व्यूअर्स, आप ऑडियंस या व्यूअर्स भी आप लिख सकते हैं, जो देखने वाले होते हैं व्यूअर्स होते हैं, चलिए जो देखने वाले होते हैं वो व्यूअर्स कहलाते हैं। तो द न्यू मूवी हैज इंथ्राल्ड व्यूअर्स या ऑडियंसेस, ठीक है ना, अक्रॉस द कंट्री। तो अगर आप किसी को, अगर आप इंथ्राल करते हैं, आप उसका मनोरंजन करते हैं, आप उसको आनंदित करते हैं, आप उसको मोहित करते हैं, हमको कहना है कि किसी जगह की सुंदरता से हम लोग मोहित हो गए, कोई जगह था, लैंडस्केप था, बहुत बढ़िया वो जगह था, उसकी सुंदरता से हम लोग मोहित हो गए। इसको कैसे बनाएंगे, वी वर, है ना, पास्ट टेंस में बनाते, वी वर इंथ्राल्ड, ठीक है ना, वी वर इंथ्राल्ड बाय द ब्यूटी, सॉरी, चलिए कैसे इसको लिखेंगे, वी वर इंथ्राल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ, बाय द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यानी कि जो जगह, जो स्थान था, उसके सुंदरता से हम लोग मोहित हो गए। तो चलिए ये जो चीज है, ये सर आपका इंथराल है, अगर आप कोई चीज को इंथराल करते हैं तो आप उसको मनोरंजन करते हैं, आप उसको आनंदित करते हैं। वर्ड एग्जॉस्टिव है, देखिए एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो विस्तार से किया जाए, डिटेल वे में किया जाए, सीमित वे में नहीं किया जाए, तो आप उसको एग्जॉस्टिव वे में करते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव। वॉल्यूम वन में ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ाई किया, वॉल्यूम वन लेसन सेवन में ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ाई किया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब संपूर्ण, थॉरो मतलब संपूर्ण, डिटेल मतलब संपूर्ण, मतलब आप इसको संपूर्ण कह लीजिए, विस्तृत कह लीजिए, चीजें की हैं, ठीक है ना। चलिए इसका हिंदी क्या होगा, विस्तृत, विस्तार से, संपूर्ण या सर्वांगीण, एक ही चीज है, मतलब कि इंक्लूडिंग एवरी पॉसिबिलिटी। एग्जॉस्टिव का मतलब अगर इसको तोड़ के लिखें तो कैसे लिखेंगे, इंक्लूडिंग, है ना, इंक्लूडिंग एवरी पॉसिबिलिटीज या ऑल पॉसिबिलिटीज, हम सारे पॉसिबिलिटी को शामिल कर देते हैं, यही जो चीज कहलाता है, यही सर होता है आपका एग्जॉस्टिव। चलिए अब इनकम्प्लीट और परफंक्टरी इसके एंटो हैं। अगर कोई चीज परफंक्टरी वे में करते हैं तो आप दिल लगा के नहीं करते हैं, आप ऐसा समझिए, आप केवल ऊपर ऊपर खाना पूर्ति करते हैं, है ना, कोई चीज को अधूरे मन से करते हैं, तो ये जो चीज होता है परफंक्टरी होता है। चलिए हमको कहना है कि जैसे कि सिविल सेवा, है ना, सिविल सेवा जो यूपीएससी एग्जाम है ना, उसको क्रैक करने के लिए संपूर्ण अध्ययन की जरूरत है। आप थोड़े से पढ़ाई करके आप यूपीएससी जैसा परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं, हमको ये बात कहना है। कैसे कहेंगे, अगर इसी बात को कहना है, हमको कहना है यूपीएससी को निकालने के लिए विस्तृत अध्ययन, है ना, विस्तृत या कहिए संपूर्ण, ठीक है ना, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, जरूरत है।
चलिए इसको हमें बनाना है, यूपीएससी को निकालने के लिए विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। चलिए कैसे लिखेंगे, अब इसको कई तरीकों से बनाया जा सकता है। चलिए पहले विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, पहले इतना भाग बनाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव या एग्जॉस्टिव, है ना, हम किसी से वर्ड बना, किसी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। एग्जॉस्टिव स्टडी, है ना, एग्जॉस्टिव स्टडी इज नीडेड, है ना, जरूरत है टू क्रैक, ठीक है ना, यूपीएससी। तो चलिए अगर कोई चीज अगर आप अगर एग्जॉस्टिव वे में करते हैं तो आप डिटेल वे में करते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा वर्ड एक्सपोनेंट। देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का एक्सपोनेंट है तो उस चीज का वो समर्थक है। ये चीज आपका कोई विचार हो सकता है, कोई विश्वास हो सकता है, कोई मतलब कोई आइडिया हो सकता है। तो किसी सिद्धांत या विचारधारा का जो समर्थक होता है ना, हम उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। छोटे वर्ड में कहे तो प्रणेता, आप ऐसा समझिए। अगर आप किसी कोई बिलीफ, कोई आइडिया, है ना, कि अगर आप एक सपोर्टर हैं, मतलब आप उसको समर्थन करते हैं, तो आप उसके एक्सपोनेंट हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बढ़िया वर्ड है प्रोपोनेंट, मतलब दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं। जो अर्थ एक्सपोनेंट का है वही अर्थ प्रोपोनेंट का है। चलिए हम आगे देखते हैं एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब वकील मत समझिएगा, एडवोकेट का मतलब होता है किसी के पक्ष में बोलने वाला, ठीक है। सपोर्टर आप समझते हैं समर्थक। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ए पर्सन हु सपोर्ट्स, एक व्यक्ति जो समर्थन करता है किस बात का, तो कोई विचार का, कोई बिलीफ का, कोई थियोरी का। हमको कहना है कि वो एक ना, वो मानवाधिकार, मानव ही जो ह्यूमन राइट्स है उसका वो प्रबल समर्थक है, ठीक है ना, वो ह्यूमन राइट्स में विश्वास करता है। हमको ऐसे कहना है कि वह मानवाधिकार का प्रबल समर्थक है। मानवाधिकार एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम कैसे लिखेंगे, ही इज ना स्टॉन्च। देखिए ये वर्ड क्या है, स्टॉन्च मतलब होता है ना प्रबल, बहुत बढ़िया वर्ड स्टॉन्च, है ना, स्टॉन्च जो सपोर्टर ही तो कोलोकेशन ही है। स्टॉन्च हम सपोर्टर से भी बना सकते हैं क्योंकि सपोर्टर का भी तो यही मतलब है, लेकिन हम मेन एक्सपोनेंट लेके चल रहे हैं। ही इज स्टॉन्च एक्सपोनेंट ऑफ क्या। चलिए अब आप मानवाधिकार कैसे लिखेंगे, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार का अंग्रेजी क्या होता है, ह्यूमन राइट्स। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए हैपहजार्ड, हम वर्ड नंबर 7 की ओर आते हैं। हैपहजार्ड का मतलब क्या होता है, देखिए यदि आप किसी चीज को हैपहजार्ड तरीका से करते हैं तो आप जैसे तैसे करते हैं, योजनाबद्ध आपका नहीं होता है वो चीज, ठीक है ना। आप कोई चीज को ना जैसे तैसे करते हैं, बेसिलसिलवार तरीके से करते हैं। चलिए तो बेसिलसिलवार, ठीक है ना, जैसे तैसे बिना किसी योजना के। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना, रैंडम, अनप्लान्ड, एमलेस, है ना, मेथोडिकल और ऑर्डरली, मतलब सुनियोजित तरीके से क्रमबद्ध, और नहीं तो इसके लिए एक छोटा सा अगर वर्ड लिखे तो योजनाबद्ध, है ना। कोई चीज को आप योजना बनाकर करते हैं तो आप मेथोडिकल करते हैं, आप ऑर्डरली वे में करते हैं, इसके लिए छोटा सा जो हिंदी है वो योजनाबद्ध, ठीक है ना। चलिए इसको आप योजनाबद्ध पढ़ें। हमको कहना है कि वो किसी हर चीज को ना जैसे तैसे करता है, बड़ा लापरवाह टाइप का आदमी है वो, हर चीज को ना मतलब जैसे तैसे करता है, बेसिलसिलवार तरीके से करता है। हमको कैसे लिखेंगे, ही डज एवरीथिंग, वो हर चीज को करता है कैसे, ही डज एवरीथिंग, ठीक है ना। चलिए इन अ हैपहजार्ड फैशन, फैशन मतलब यहां पर वो फैशन नहीं समझिएगा, फैशन मतलब तरीका, फैशन का मतलब यहां पर है तरीका। चलिए इसका हिंदी क्या हुआ, कि वो हर चीज को ना लापरवाह तरीके से करता है, जैसे तैसे तरीके से करता है, तो ये आपका हैपहजार्ड है। चलिए हिलेरियस बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। हिलेरियस का मतलब कोई चीज यदि हिलेरियस है, किसी के स्टाइल हिलेरियस है, बोलने का तरीका हिलेरियस है, है ना, उसका जो शैली है वो हिलेरियस है, तो इसका मतलब वो लोगों को हंसाएगा। पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। हिलेरियस का मतलब जो हंसा दे, है ना, हास्य जनक, ठीक है ना। चलिए सैनो क्या हो जाएगा इसका, वेरी फनी, फनी मतलब होता है जो हंसा दे। चलिए अम्यूजिंग कॉमिक, कॉमिक का भी मतलब होता है जो हंसा दे, अपने स्टाइल से, अपने ड्रेस से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, कॉजिंग लाफ, जो लाफ उत्पन्न करे। अब इसका अपोजिट क्या होगा, सैड और सीरियस, गंभीर, ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि देखिए कास्ट मतलब होता है पात्र, आप लोगों ने कास्ट के बारे में पढ़ा होगा, ये कास्ट मतलब पात्र होता है। बहुत सारे अब मूवी में ना कैसे पात्र लाए जा रहे हैं, हिलेरियस कास्ट लाए जा रहे हैं जो हंसा दे, है ना। सीरियल मूवी में आपको इस तरह के पात्र मिलेंगे, कोई नौटंकी करने वाला होता है, वो हंसाने का मेन उसका पर्पस होता है, उस कास्ट को कहेंगे हिलेरियस कास्ट। चलिए इसका कोलोकेशन पहले देख लेते हैं, हिलेरियस कास्ट,
जो हंसा दे, ठीक है ना। इसी तरह से होता है हिलेरियस मूवी, ठीक है ना, कोई हंसाने वाला, आजकल तो हंसाने वाला मूवी ज्यादा चल रहा है, हिलेरियस मूवी। तो ये सारी चीज हिलेरियस है, ठीक है ना। हमारा एक चैनल है, अगर आप घर पर अगर चैनल अगर आप देखते हैं, डिश टीवी वाला जो चैनल देखते हैं, तो उसमें एक आता है सब चैनल, सब टीवी है ना, सब चैनल है उसका नाम। अब उसमें जितने भी पात्र हैं है ना, वो सारे के सारे क्या है, हंसाने वाले हैं। अब वो जो चैनल होगा वो कौन सा चैनल होगा, उसको हम कहेंगे हिलेरियस चैनल। जैसे कि सब चैनल जो है वो हिलेरियस चैनल है। आइए, इंट्रिंसिक, बहुत बढ़िया वर्ड है, जबरदस्त वर्ड है। देखिए इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि इंट्रिंसिक है, यानी कि वो चीज उसके अंदर में है, बाहरी तौर पर नहीं है, वो चीज उसके अंदर में है, नैसर्गिक है, आंतरिक है, वो क्वालिटी, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर में है, ठीक है ना। चलिए, आंतरिक या मूलभूत, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ प्रीपोजिशन की अगर जरूरत पड़े तो इंट्रिंसिक टू। चलिए, इसकी सिनोनिम्स तो जबरदस्त, ये सारी जबरदस्त है। इनहेरेंट, इनर, इनर मतलब अंदर में, इनेट मतलब जो अंदर में है, इनबोर्न मतलब जो शुरू से है, ठीक है ना। देखिए, कोई चीज यदि इंट्रिंसिक है, यानी कि उसका संबंध उसके अंदर से, उस चीज के अंदर से है। चलिए, एक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त किया हुआ, ये आंतरिक नहीं होता है, ठीक है ना, ये बाह्य तौर पर होता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूं कोई मेटल है, कोई मेटल लेते हैं, तो जो उसका जो चमक है, वो चमक क्या है, बाहरी है। चमक जो है ना, उसका बाहरी गुण है, चमक खत्म हो सकता है, मेटल से चमक खत्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं प्रत्यास्थता, तो प्रत्यास्थता क्या है, अब उस मेटल के अंदर है, यानी कि मेटल के अंदर में है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जो अंदर का भाग होगा ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप मेटल को तोड़ दीजिए, उसको पीस पीस कर दीजिए, फिर भी उसकी ये जो गुण है वो खत्म नहीं होगी। हमको कहना कि प्रत्यास्थता सभी धातुओं का एक आंतरिक गुण होता है, ठीक है ना। प्रत्यास्थता सभी धातुओं का एक आंतरिक गुण होता है, इसी चीज को लिखिए, प्रत्यास्थता सभी धातुओं का एक आंतरिक गुण होता है, यानी कि गुण अंदर में है, बाहर में तो नहीं है, आंतरिक गुण होता है। हमको ऐसा कहना है कि प्रत्यास्थता सभी धातुओं का एक आंतरिक गुण होता है। इसको कैसे लिखेंगे, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता के लिए वर्ड क्या है, इलास्टिसिटी। चलिए, इज एंड, चलिए इंट्रिंसिक, चलिए इज एंड इंट्रिंसिक क्वालिटी, इज एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ ऑल मेटल्स, ऑफ ऑल मेटल्स। तो यही चीज इंट्रिंसिक है, यानी कि कोई चीज अगर इंट्रिंसिक है, यानी कि इसका मतलब है कि वो चीज उसके अंदर में निहित है, बाहरी तौर पर नहीं है, उसके अंदर में निहित है। आइए, ल्यू, ल्यू नाउन है हमारा, लेकिन देखिए ल्यू का जो इस्तेमाल होता है ना, वो इस रूप में होता है, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के बदले में, है ना, के स्थान पर, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इन प्लेस ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ है ना, बहुत अच्छा एक फ्रेज है, जिसका मतलब होता है के बदले में। जैसे कि कोई दुकान है, कोई मॉल है, कोई सेंटर है, कह रहा है क्या कि आप कैश के बदले एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। वो कह रहा है क्या, आप नगद के स्थान पर, या बदले एक ही चीज है, स्थान पर एटीएम कार्ड ना प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, इसको हमको बनाना है कि आप जो है ना, नगद के स्थान पर एटीएम कार्ड प्रयोग कर सकते हैं। इसको कैसे लिखा जाए, अगर यहीं पर लिखा जाए, यू कैन यूज, चलिए है ना एटीएम कार्ड, देखिए कैसे लिखा जा रहा है, यू कैन यूज एटीएम कार्ड। चलिए, के स्थान पर के लिए क्या वर्ड है, इन ल्यू ऑफ, ठीक है ना। हालांकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस ल्यू से बनना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन ल्यू ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन यूज एटीएम कार्ड इन ल्यू ऑफ कैश। तो हमारा ये ल्यू ऑफ का मतलब क्लियर हो गया। चलिए, लिक्विडेट क्या होता है, पहले आप ऐसा समझिए, लिक्विडेट का मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई कंपनी है, कोई संस्था है, वो मतलब कर्ज में चला गया है। अब कर्ज में चला गया तो वो क्या करेगा, अपने व्यापार को बंद कर देगा, अपने व्यापार से जितने भी उसकी संपत्तियां हैं सबको बेचेगा, और बेच करके कर्ज चुकाएगा। तो संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाना, ये कहलाता है लिक्विडेट। अगर आप अपने संस्था को लिक्विडेट करते हैं, कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके एसेट्स को बेचते हैं और आप लोगों के कर्ज को चुकाते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, व्यापार इत्यादि बंद करना है ना, कर्ज चुकाना। चलिए, सिनोनिम्स क्या है, क्लोज डाउन, विंड अप तो बहुत बढ़िया फ्रेज है। विंड अप का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा समेटना। इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो विंड अप का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा समेटना।
चले, पे ऑफ मतलब कर्ज चुकाना। हमको कहना है कि कंपनी को ऑनर्स जो मालिक थे उनको आदेश दिया गया है ना कि आप अपने कंपनी को लिक्विडेट करें, मतलब कि आप अपने एसेट्स को बेचें। हमको कैसे इसको लिखेंगे, इसी को अगर लिखना है द ऑनर्स ऑफ द कंपनी है ना, ऑनर्स मतलब मालिक, द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ऑनर्स थे ठीक है ना, चलिए वर ऑर्डर्ड, उनको ऑर्डर दिया गया कोर्ट वगैरह या किसी संस्था द्वारा टू लिक्विडेट है ना, टू लिक्विडेट है ना देयर कंपनी, कि वे अपने कंपनी को बेचे, या टू लिक्विडेट देयर एसेट्स, कि अपने संपत्ति को बेचे और बेच करके वो क्या कर्ज चुका है ना। चलिए तो ये हमारा लिक्विडेट है। चलिए हम आगे वर्ड लेके चलते हैं, तब मेडले। मेडले का मतलब क्या होता है, वस्तु या व्यक्ति का मिश्रण। कई तरह के वस्तु होंगे, कई तरह के उसमें व्यक्ति होंगे, उसके मिश्रण को हम लोग ना मेडले कहते हैं, सम्मिश्रण। इसका अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए तो सम्मिश्रण। चलिए अब इसको असॉर्टमेंट, वैरायटी और मिसलेनी इसका सिनोनिम्स होगा। चलिए इसको अगर हम एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए मिक्सचर ऑफ है ना डिफरेंट पीपल और थिंग, डिफरेंट पीपल और थिंग्स, ठीक है ना, मतलब कि कई तरह के लोगों का या कई तरह के थिंग्स के जो मिक्सचर होते हैं है ना, उसको हम लोग मेडले कहते हैं। जैसे कि देखिए कोई गाना बज रहा है, उसमें तरह तरह का ट्यून है, मतलब मिनट मिनट पर ट्यून बदल रहा है, अब वो कौन सा ट्यून है, मेडले ऑफ ट्यून्स है ना, वो मेडले ऑफ ट्यून्स है, उसमें तरह तरह की आवाज आ रही है, कौन सा साउंड है, मेडले ऑफ साउंड्स है। 5 मिनट के गाना के अंदर में कई तरह के ट्यून बदल रहे हैं, कई तरह के साउंड बदल रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि मेडले ऑफ, देखिए इसको हम कैसे कहेंगे मेडले, सॉरी इसको हम कैसे कहेंगे, मेडले ऑफ ट्यून्स, मेडले ऑफ साउंड्स, मेडले ऑफ ट्यून्स, ठीक है ना। चलिए या मेडले ऑफ साउंड्स, इसी तरह से हो सकता है, तरह तरह का गंध आ रहा है, तरह तरह का रूम में बैठे हैं, कभी अच्छा, कभी ये खुशबू, कभी वो खुशबू, मेडले ऑफ फ्लेवर्स, यानी कि कई तरह के ये जो मिश्रण होते हैं ना, इसको मेडले कहा जाता है। चलिए ए एल यहां लगा दीजिए, ए मेडले ऑफ ट्यून्स साउंड्स और फ्लेवर्स। आगे बात को लेके चला जाए तो वर्ड नंबर है नाइफ 13 और वर्ड नंबर है नाइफ, वर्ड है हमारा नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति नाइफ है तो इसका मतलब है ना कि उसके अंदर में कोई तरह का छल कपट नहीं, एकदम फोला फाला है, एकदम उसको मतलब उसके अंदर किसी तरह का छल कपट वाला बात नहीं है, है ना। नैब मतलब भोला भाला, जिसमें छल कपट ना हो वो नैब कहलाता है, ठीक है ना। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा, इनोसेंट है ना, भोला भाला, अनसोफिस्टिकेटेड, देखिए सोफिस्टिकेटेड चालबाज होते हैं, सोफिस्टिकेटेड को अगर कहे तो चालबाज होते हैं। चलिए आर्टलेस मतलब इसमें किसी तरह का कलाकारी वाला, इसके अंदर में कोई तरह का कलाकारी नहीं है, एकदम भोला है। चलिए इंजीनियस भोला, इनएक्सपीरियंस्ड अनुभव, इसको दुनियादारी का भी अंदाजा नहीं है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड वर्ल्डली चालबाजियों से युक्त, या हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं चालबाज है ना, सिंपल भाषा में कह सकते हैं चालबाज। हालांकि सोफिस्टिकेटेड का एक और हिंदी होता है अत्याधुनिक, यदि कोई चीज सोफिस्टिकेटेड है, चलिए इसको यहां कर लिया जाए, सोफिस्टिकेटेड का एक और अर्थ होता है अत्याधुनिक। चलिए ये सोफिस्टिकेटेड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है अत्याधुनिक, इसी सेंस में सोफिस्टिकेटेड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे अत्याधुनिक हथियार हमको कहना है, हमको कहना है कि अत्याधुनिक हथियार, इसको कैसे कहेंगे, सोफिस्टिकेटेड वीपन्स है ना, इसको कैसे कहेंगे, सोफिस्टिकेटेड वीपन्स, अत्याधुनिक हथियार। तो सोफिस्टिकेटेड का दो अर्थ है, एक अर्थ इसका चालबाज है, आप ऐसे समझिए, चालाकियों से युक्त, आप ऐसे समझिए, और इसका जो दूसरा मतलब है वो है अत्याधुनिक। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं तो वर्ड नंबर आते हैं 14 की तरफ, ओबिएट, बहुत बढ़िया वर्ड, बहुत बढ़िया वर्ड। देखिए ओबिएट का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को ओबिएट करते हैं, यानी कि आप उसके जरूरत को है ना, आप उस चीज के जरूरत को अनावश्यक बना देते हैं, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को अगर ओबिएट करते हैं तो आप उसकी जरूरत को अनावश्यक बना देते हैं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स क्या होता है, प्रीक्लूड, बढ़िया वर्ड है, प्रीक्लूड का भी मतलब होता है अनावश्यक बना देना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेक अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन है, और अवॉइड एक कॉमन सिनोनिम्स है। देखिए एक नया मेडिकल ट्रीटमेंट आया है, अब इस ट्रीटमेंट, ये न्यू मेडिकल जो न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसने सर्जरी की जरूरत, जो पहले सर्जरी होता था, चीर फाड़ होता था, कैची लगता था, अब सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। हमको कहना है कि नए चिकित्सा तकनीक ने, ट्रीटमेंट ने, ठीक है ना, इलाज ने सर्जरी की जरूरत को अनावश्यक बना दिया है। मतलब पहले लोग पहले चीड़ फाड़ करते थे, अब न्यू एक मेडिकल ट्रीटमेंट आया है
अब इसने सर्जरी की जरूरत को अनावश्यक बना दिया, मतलब अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं, हमको इसी बात को लिखना है। कैसे लिखेंगे, द न्यू ठीक है ना मेडिकल ट्रीटमेंट, द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट चलिए हैज ओबिएटेड है ना, मतलब अनावश्यक बना दिया है, हैज ओबिएटेड द नीड ऑफ सॉरी द नीड फॉर है ना सर्जरी। अब सर्जरी के पहले चीड़फाड़ होता था, अब सर्जरी की जरूरत को इसने क्या कर दिया है, अनावश्यक बना दिया, अब सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। आइएगा वर्ड है सैलियंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैलियंट मतलब होता है प्रमुख। आप देखिएगा, आप कोई अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उस पर लिखा रहता है ना, मतलब मुख्य बिंदु, मुख्य आकर्षण, अंग्रेजी में लिखा रहता है सैलियंट फीचर्स, अंग्रेजी में लिखा रहता है सैलियंट फीचर्स, मतलब मुख्य आकर्षण, मुख्य बातें क्या है। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंपॉर्टेंट, मेन, प्रिंसिपल, ये सबका मतलब मुख्य है। वर्ड और भी है मुख्य करने के लिए, वर्ड और भी है, मैंने अपने आप को यहीं तक रोक रखा है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। अब जैसे अगर हमको कहना है मुख्य बिंदु, हम लोग नोट्स लिखते हैं तो मुख्य बिंदु हमें कहना है, कैसे लिखेंगे, सैलियंट पॉइंट्स, हमें कहना है मुख्य विशेषता, सैलियंट फीचर्स, ठीक है ना। विशेषता के लिए एक और वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, विशेषता के लिए एक और वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए तो ये सभी कोलोकेशन है सैलियंट के साथ, है ना, अगर कुछ सैलियंट है तो, यदि कोई सैलियंट है तो वो मेन है। अब जैसे कि अगर हमको कहना है कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता है ना हमारे देश की, है ना, एक प्रमुख विशेषता है, हमको ऐसे कहना है, कैसे लिखेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको लिखा जाए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, चलिए, इज अ साइलेंट फीचर, इज ए साइलेंट फीचर, ठीक है ना, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश की, है ना, एक प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। चलिए व्हाट इज सीडेंट्री, देखिए यदि कोई सीडेंट्री है, यानी कि वो काम है बैठकर किया जाने वाला, यदि कोई चीज, जैसे कि देखिए मैं बैठकर आपको टीच कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो चीज है जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये चीज एक सीडेंट्री है। मान लीजिए मैं चलकर अगर मैं पढ़ाता तो वो सीडेंट्री नहीं होता, लेकिन चूंकि मैं बैठकर पढ़ा रहा हूं तो अभी ये जो काम है वो सीडेंट्री है। जैसे कि टेलरिंग, हम टेलर का काम कर रहे हैं, तो टेलर का काम बैठकर के होता है, वो सीडेंट्री जॉब है। तो कहने का मतलब है जिसे बैठकर किया जाए, है ना, साइन हो जाएगा सीटिंग या सीटेड। अगर हमको कहना है कि काम बैठकर करने वाला, हमको साधारण सा एक लाइन कहना है कि काम बैठकर करने वाला है, काम चलने वाला नहीं है, चलकर करने वाला नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए और भी साइन लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं स्टेशनरी, इसका और भी साइन हम लिख सकते हैं स्टेशनरी, मतलब होता है स्थिर, इसका और भी साइन हो सकता है स्टील, स्टील का भी अर्थ होता है स्थिर। चलिए अब हमको कहना है कि काम बैठकर करने वाला है, चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, एंटो भी यहां कर लेते, मोबाइल चलंतु, यदि कोई चीज अगर मोबाइल है, यानी कि वो क्या है, वो चलंतु है, वो चलता है, वो चलता है, मोबाइल का मतलब उससे हैंडसेट मत समझिएगा, यहाँ पर मोबाइल जो है ना वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एंटो एडजेक्टिव, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। हमको कहना है कि काम बैठकर करने वाला है, कैसे लिखेंगे, द वर्क इज सीडेंट्री, काम जो है वो बैठकर करने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब कोई व्यक्ति है, बैठे बैठे उसका एक जीवन शैली, बैठने की जीवन शैली सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और इस लाइफ स्टाइल ने उस व्यक्ति को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज किया है, हमको ये बात कहना है, हम इसको कैसे लिखेंगे, हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक है ना, आर कॉज्ड बाई सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि उसका जो जीवन शैली है वो बैठकर, है ना, बैठने वाला है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और इसी लाइफ स्टाइल ने उसको कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है सीडेंट्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, स्लोवेनली, देखिए यदि कोई व्यक्ति स्लोवेनली है तो वो लापरवाह है, यहाँ एक वर्ड जोड़ दिया जाए, लापरवाह है, और गंदा टाइप से वो रहता है, लापरवाह और गंदा, मतलब इसको आप ऐसे समझिए, इसका जो शुद्ध हिंदी होगा वो होगा लापरवाह और गंदा, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर स्लोवेनली है, अपनी आदत में लापरवाह आदत का आदमी है, गंदा आदत का आदमी है, अभी इसका हैबिट क्या हो जाएगा, स्लोवेनली हैबिट्स, देखिए इसका क्या हो जाएगा, स्लोवेनली हैबिट्स, है ना, जहां खाता है वहीं पर गिरा देता है, स्लोवेनली हैबिट्स है इसका, लापरवाह तरह का से खाता है। चलिए तो स्लोवेनली का मतलब क्या होता है, इसी तरह से हो सकता है स्लोवेनली ड्रेस हो सकता है, स्लोवेनली आपका जो लुक है ना वो स्लोवेनली हो सकता है, अपीयरेंस स्लोवेनली आपका अपीयरेंस हो सकता है, तो इन मामलों में हम स्लोवेनली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तो बच्चों आज का हमारा जो आप देख रहे हैं, जैसे कि साइनो आप देख रहे हैं, केयरलेस, अनटाइडी, स्क्रफी, मेसी, सब ऑलरेडी हम लोग वर्ड डिसेबल्ड में पढ़ चुके हैं, है ना। इसके ठीक पहले वाले लेसन में ये वर्ड हो चुका है, स्लोवेनली हो चुका है, ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 17 वर्ड्स किए। ये 17 वर्ड्स बहुत यूज के वर्ड्स है, बाकी 3 वर्ड को लीव किया गया है जिसकी कोई मतलब कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है। उसमें एक वर्ड है स्वैब है, ट्रेपेडिशन है और ट्रिबुलेशन है, जिसको मैंने केयर नहीं किया है। तो आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए दिन में एक नए वीडियो सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।